सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड के इंग्लिश का एक न्यू लेसन देखने वाले हैं। एंड आवर लेसन नेम इज लेसन नंबर 1, पार्थो द पार्क कीपर। आज हम एक न्यू लेसन देखने वाले हैं, दैट इज पार्थो द पार्क कीपर। नाउ प्रीवियस वीडियो यानी लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि पार्थो द पार्क कीपर इस लेसन की रीडिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। एंड देन इन दिस वीडियो वी विल लर्न द लेसन पार्थो द पार्क कीपर। सो चलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। पार्थो वॉज अ पार्क कीपर। पार्थो एक मैन का नाम है। अगर आप देखें इन दिस पिक्चर, दिस बॉय और दिस मैन इज पार्थो। ओके, पार्थो इस मैन का नाम है। एंड पार्थो क्या काम करता था? सो पार्थो वॉज अ पार्क कीपर। सो हु इज अ पार्क कीपर? पार्क कीपर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द पार्क। ओके, पार्क कीपर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द पार्क। यानी पार्क कीपर वो पर्सन होते हैं जो पार्क के फ्रेंड्स केयर करते हैं। आप अलग अलग गार्डन या अलग अलग पार्क में जाते होंगे, वहां आप देखते होंगे कि बहुत सारे राइड्स हैं, तो उन सारे राइड्स को क्लीन करना, पार्क को क्लीन करना, पार्क की केयर करना, ये सारे जो काम हैं, ये फ्रेंड्स पार्क कीपर करते हैं। और पार्थो क्या था? ही वॉज अ पार्क कीपर। ही वर्कड विथ 5 other people। पार्थो और 5 other people के साथ अपना वर्क करता था। तो ये सब भी कौन है? दे आर ऑल्सो दी पार्क कीपर। ओके, ऑल ऑफ देम टुगेदर कीप द पार्क क्लीन। ये सब फ्रेंड्स एक साथ पार्क को क्लीन करते थे। ओके, बिकॉज दिस इज द जॉब ऑफ द पार्क कीपर। ये पार्क कीपर की जॉब है कि वो पार्क को क्लीन रखे। तो फ्रेंड्स ये सब के सब पार्क को क्लीन रखते थे। पार्थो लव्ड हिज जॉब। पार्थो को अपनी जॉब काफी पसंद थी। ओके, वंस एवरी ईयर द पार्क वॉज क्लोज्ड, नो वन कुड यूज द पार्क देन। हर साल एक बार, वंस एवरी ईयर का मीनिंग होता है कि हर साल फ्रेंड्स, एवरी ईयर सिर्फ वन टाइम जो पार्क है वो क्लोज रहता था। और जब पार्क क्लोज था तो उस टाइम किसी को भी ये अलाउड नहीं था कि कोई पार्क के अंदर आए। ओके, बट पूरे ईयर में ये जस्ट वन ही एक ही टाइम होता था। आई एम ग्लैड दिस हैपेंस जस्ट वंस अ ईयर, थॉट पार्थो। आई डोंट लाइक टू टेल पीपल टू गो अवे फ्रॉम द पार्क। हाँ, पार्थो ने सोचा कि मैं काफी ग्लैड हूं कि ये सिर्फ साल में एक ही बार होता है। यानी पार्थो काफी ग्लैड यानी काफी हैप्पी था कि जो पार्क है वो ईयर में सिर्फ एक ही टाइम बंद होता था। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज पार्थो डोंट लाइक टू टेल पीपल टू गो अवे फ्रॉम द पार्क। पार्थो को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो पीपल यानी लोगों को पार्क से दूर भेजे। बिकॉज जब लोग पार्क में आते थे तो वो अलग अलग राइड्स को एंजॉय करते थे, जो पीपल्स को भी पसंद था। पीपल को भी पसंद था फ्रेंड्स, और पार्थो को भी पसंद था। इसलिए पार्थो को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसे लोगों को पार्क से दूर जाने के लिए कहा जाए। इसलिए पार्थो काफी हैप्पी था कि पार्क साल में सिर्फ एक ही बार क्लोज रहता था। दिस ईयर द पार्क वॉज क्लोज्ड ऑन वीकेंड्स। इस ईयर में जो हमारे पार्क है वो वीकेंड्स पे क्लोज थे। वीकेंड, तो वीक कब एंड होता है? सी, वीक स्टार्ट होता है मंडे से। तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये जो 2 डेज है यहां हमारा वीक एंड होगा। इसलिए वीकेंड का मतलब है सैटरडे एंड संडे, जब हमारा पूरा वीक खत्म होता है। तो इस वीकेंड पे हमारा जो पार्क है वो क्लोज था, यानी बंद था। पार्थो एंड हिज टीम वेर वेरी बिजी फॉर 2 डेज। नाउ उन वीकेंड्स के लिए यानी सैटरडे एंड संडे के लिए पार्थो और उसकी जो 5 मेंबर्स की जो टीम थी वो काफी बिजी थी। दे वेंट अराउंड द पार्क डूइंग मेनी थिंग्स।
उन 2 दिन में पार्थ और उसकी टीम पूरे पार्क में फ्रेंड्स इधर उधर जा रहे थे और अलग अलग काम कर रहे थे, ओके, बिकॉज वो पार्क कीपर हैं। तो पूरे पार्क में घूम के वो अलग अलग चीजों को ठीक कर रहे थे। ऑन सैटरडे दे पिक्ड अप द लीटर एंड पुट इट इन लार्ज बैग्स। सैटरडे को उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा जो लीटर था उसे उठाया और बड़े बड़े बैग में डाल दिया। लीटर का मतलब, तो लीटर्स का मतलब होता है जो वेस्ट पेपर के पीसेस हैं, बॉटल्स हैं, ओके, ये सारी जो चीजें हैं फ्रेंड, जैसे चॉकलेट रैपर्स, चिप्स के रैपर्स, ऐसे जो सारे वेस्ट पेपर्स, इन सारे वेस्ट पेपर्स को हम लीटर बुलाते हैं। तो ये सारे जो लीटर हैं, पार्थो और उसके फ्रेंड्स ने उसे लार्ज बैग्स में डाला। पीपल शुड थ्रो रबिश ओनली इन द बीन्स, सेड पार्थो। हिज टीम नॉडेड। पार्थो ने कहा कि जो लोग हैं जो पार्क में आते हैं उन्हें ये सारी रबिश चीजें डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। रबिश चीजों का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे चॉकलेट रैपर्स, चिप्स रैपर्स, देन वाटर फ्रेंड्स, देन बॉटल्स, ओके, ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो कुछ लोग इसे पार्क में इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये सारी जो रबिश चीजें हैं वो लोगों को डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, ऐसा पार्थो ने कहा। और उसके लिए उसके टीम ने नॉडेड, ओके, नॉडेड यानी अपने हेड को अप एंड डाउन मूव करना यस बोलने के लिए, ओके, एंड जब आप टीचर्स आपसे पूछती है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, तो आप आपके हेड को नॉड करते हो, यानी अप और डाउन हिला के यस बोलते हो। सो पार्थो की ये बात सबको अच्छी लगी, इसलिए उसके सारे टीम ने अपने हेड को नॉड किया। दे वीडेड द फ्लावर बेड्स एंड प्लांटेड न्यू सीड्स। पार्थो और उसके फ्रेंड ने फ्लावर बेड्स को वीडेड किया और उसकी जगह नए सीड्स लगाए। नाउ वीडेड का मतलब क्या? सी, नाउ फ्लावर बेड्स वो जगह है जहां फ्लावर को ग्रो करते हैं, ओके, जहां पे अलग अलग फ्लावर्स को ग्रो होंगे उस जगह को आप क्या बुलाते हो? फ्लावर बेड्स। नाउ समटाइम्स यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनवांटेड फ्लावर्स वहां पे ग्रो करते हैं, यानी ऐसे फ्लावर्स ग्रो करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो उन अनवांटेड फ्लावर्स को हम जब कट करते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? वीडेड। तो हमने फ्लावर बेड्स की फ्रेंड्स वीडिंग की, यानी द फ्लावर बेड वॉज वीडेड। इसका मतलब है जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए थे उन्हें हमने कट किया और उनकी जगह नए सीड्स प्लांट किए, जिन सीड से न्यू न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे। दे ट्रिम्ड द ग्रासेस एंड हेजेस। पार्थो और उसके फ्रेंड ने पार्क में जो ग्रास थे उसे ट्रिम किया। ट्रिम का मतलब है उसका जो टॉप पोर्शन है या टॉप पार्ट है उसे कट किया। और जो हेजेस हैं, हेजेस यानी स्मॉल स्मॉल प्लांट्स की एक ऐसी रो होती है, एक ऐसी लाइन होती है। तो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स के भी जो टॉप पार्ट थे या जो टॉप पोर्शंस थे उन्हें कट किए, ताकि फ्रेंड्स वो ग्रास और हेजेस काफी प्रॉपर दिखे, ओके। दे स्क्रब द स्विंग्स, सी सॉज एंड स्लाइड। जो स्विंग्स, ओके, सी सॉज, सी फ्रेंड्स दिस इज अ सी सॉ। तो जो स्विंग, सी सॉस और स्लाइड्स थे, ओके, उन सबको उन्होंने स्क्रब किया। स्क्रब का मतलब फ्रेंड्स ऐसे जोर जोर से रब करना, ओके, और रब करके उन्होंने उन स्विंग्स यानी झूलों को, सी सॉस और स्लाइड्स को क्लीन किया, ओके। तो आपने देखा होगा कि घर में आपकी जो मम्मी है वो फ्रेंड्स प्लेट्स को स्क्रब करती हैं, यानी जोर जोर से रब करती हैं, और रबिंग की वजह से वो प्लेट्स क्लीन हो जाती हैं, ओके। दे रिपेयर द ब्रोकन मेरी गो राउंड, द चिल्ड्रंस विल बी डिलाइटेड, पार्थो स्माइल। इफ यू सी दिस इज अ मेरी गो राउंड, ओके, ये क्या है? मेरी गो राउंड। बट फ्रेंड्स ये ब्रोकन था, यानी पहले टूटा हुआ था। तो सैटरडे को पार्थो और उसके फ्रेंड्स ने इस मेरी गो राउंड को भी ठीक कर दी। पार्थो ने कहा फ्रेंड्स कि चिल्ड्रंस विल बी डिलाइटेड। डिलाइटेड का मीनिंग होता है कि चिल्ड्रंस विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज अभी उनका मेरी गो राउंड फ्रेंड्स ठीक हो गया है और वो इस मेरी गो राउंड
के साथ खेल सकते हैं। ओके। ऑन संडे दे पेंटेड ऑल द बेंचेस इन द पार्क। नाउ सैटरडे खत्म हो गया, नाउ द नेक्स्ट डे दैट इज संडे। ओके। नाउ संडे को पार्थो और उसके फ्रेंड्स ने पार्क में जो सारे बेंचेस थे उन सारे बेंचेस को अगर आप देखें तो ग्रीन कलर दिया है। इफ यू सी इन दिस पिक्चर, ओके, दिस मैन इज पेंटिंग द बेंच विद द ग्रीन कलर। ये जो पर्सन है ये इस बेंच को ग्रीन कलर दे रहा है। तो संडे को पार्थो और उसके फ्रेंड्स ने सारे बेंचेस को ग्रीन कलर दिया। पार्थो टोल्ड हिज टीम, वी मस्ट पुट अप नोटिसेस दैट सेज वेट पेंट नेक्स्ट टू द बेंचेस। पार्थो ने कहा कि हमें बेंचेस के साइड में वेट पेंट की एक नोटिस लगानी चाहिए। ओके। नोटिस फ्रेंड्स आपको पता ही है, यानी नोटिस का मतलब होता है फ्रेंड्स वर्ड्स और पिक्चर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड दैट टेल यू समथिंग। ओके। कुछ फ्रेंड्स एक पेपर या एक कार्डबोर्ड पे फ्रेंड्स कुछ वर्ड या कुछ पिक्चर्स लिखे जाते हैं जो पिक्चर्स फ्रेंड्स आपको कुछ बताते हैं। जैसे पार्थो और उसकी फ्रेंड्स ने एक पेपर पे फ्रेंड्स वेट पेंट राइट डाउन किया, और वेट पेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो पेंट लगा है वो अभी गीला है तो इस बेंच को यूज मत करो, बिकॉज अदरवाइज वो वेट पेंट आपके फ्रेंड्स शर्ट पैंट से स्टिक हो जाएगा। ओके। यानी आपके क्लोथ से स्टिक हो जाएगा। बाय इवनिंग एवरीवन वाज टायर्ड। नाउ फ्रेंड्स इवनिंग यानी शाम हो गई थी और उस टाइम तक सब टायर्ड हो गए थे, यानी सब थक गए थे, बिकॉज होल डे उन्होंने काफी सारा काम किया था। पार्थो आस्क्ड हिज टीम टू रेस्ट बिफोर दे ऑल वेंट होम। पार्थो ने कहा अपने सारे पार्थो ने अपनी सारी टीम को कहा कि घर जाने से पहले हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद हम सब घर चले जाएंगे। ओके। आफ्टर दैट वी विल ऑल गो टू आवर होम्स। सो दे सैट ऑन अ बेंच एंड एंजॉय टी एंड स्नैक्स। तो सी पार्थो और उसके फ्रेंड्स सब बेंचेस पे बैठ गए और वो टी और थोड़े से स्नैक्स को एंजॉय करने लगे। ओके। आप भी इवनिंग में टी और स्नैक्स खाते हो ना? दे लुक्ड अराउंड एंड फेल्ट हैप्पी, द पार्क लुक्ड न्यू। ना पार्थ और उसके फ्रेंड्स ने पूरे पार्क को देखा और पूरा पार्क एकदम न्यू लग रहा था, जिसकी वजह से उन सबको हैप्पी फील हो रहा था। बट वेन दे स्टूड अप द बैक्स वेयर कवर्ड इन पेंट, बट सी फ्रेंड्स वो अभी बेंचेस पे बैठे थे और बेंचेस को उन्होंने अभी अभी पेंट किया था। तो जैसे वो खड़े हुए उनके बैक्स फ्रेंड्स पेंट से कवर हो गए। ओके। इफ यू सी इन दिस पिक्चर सी उनके जो बैक्स है फ्रेंड्स सारे सबके बैक्स पेंट से कवर हो गए हैं। ओ नो सेड पार्थो, वी शुड हैव पुट अप द वेट पेंट नोटिसेस बिफोर वी सैट डाउन। एवरीवन लाफ्ड। नाउ पार्थो ने कहा ओ नो हमें वेट पेंट की नोटिस पहले लगा देनी चाहिए थी। ओके। यानी इस बेंच पे बैठने से पहले हमें वेट पेंट की नोटिसेस यहाँ लगा देनी चाहिए थी। और एवरीवन लाफ्ड। ओके। सब हंसने लगे बिकॉज सबके जो शर्ट्स और पैंट थे वो पेंट से कवर हो गए, इसलिए पार्थो ने कहा था कि हम बेंच के साइड्स में वेट पेंट की नोटिसेस लगाए ताकि किसी के भी जो क्लोथ हैं वो खराब ना हो। और अभी वो खुद बेंच पे बैठ गए। ओके। सो फ्रेंड्स दिस वाज आवर फर्स्ट लेसन दैट इज पार्थो द पार्क कीपर। ओके। पार्थो एक पार्क कीपर था, वो अपने 5 फ्रेंड्स और 5 पीपल्स के साथ पार्क में वर्क करता था, यानी और 5 फ्रेंड्स के साथ पार्क में वर्क करता था। नाउ सैटरडे और संडे को उन्होंने किस तरह से पार्क को क्लीन किया वो हमने इस लेसन में स्टडी किया, और एज वेल एज हमने काफी सारे न्यू वर्ड्स को भी सीखा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश का कोई और अच्छा सा लेसन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।